वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल के व्लॉग को मैंने यहीं पे एंड किया था और यहाँ पर आपने उनको दिखाया था कि लोग कैसे मिलजुल कर यहाँ पर खाना बनाते हैं गांव में। इसके बाद हम लोग गए पूजा के स्थान पर जहाँ पर होने वाली थी पूजा, और यहाँ पर बच्चे कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा मस्ती, तो सोचा आप लोगों को दिखाया जाए कि बच्चे किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। मामा जी के साथ बच्चों ने ऐसे उड़दंग मचाया कि मामा जी को समझ ही नहीं आया कि क्या करें और क्या ना करें। तो बच्चों को उन्होंने करने दी मस्ती, और ये रहा छोटा सा मामा। और साथ में पंडित जी की यहाँ पर चल रही थी पूजा, तो पूजा में पंडित जी हमें टीका और कलावा बांधते हुए। अब मैं आपको अंदर पूजा के स्थान पर ले जाऊँ, उससे पहले मैंने सोचा आपको बता दूँ कि हम लोग किस जगह पे पहुँचे हैं। तो हम लोग पहुँचे हैं पोखड़ा, जो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, और ये है पौड़ी गढ़वाल से लगभग 70 से 80 किलोमीटर, और देहरादून से पोखड़ा की दूरी है लगभग 230 किलोमीटर की। अनुराधा नाम ने सुदेव्याह एवं च सूर्य छोटे जो कि पढ़ो जाए सूर्य मिस्टर छोटे जना एवं च कनिष्ठ भ्रातु श्रीमान सूर्य शर्मणो हम तद धर्म पत्नी ऋतिका नाम ने सुदेव्याह एवं च यजमानस्य अखिल कुटुंब परिवार सहितो हम आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम यजमान जन्मांतरेव सकलमनीक्षित कामना सत्सिद्ध्यर्थम लोके राजद्वारे राजसभायां सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम आदि दैविकादि भौतिक आध्यात्मिक त्रिदिताप उपशमनार्थम। शंख की ध्वनि और पंडित जी के हाव भाव से आप समझ चुके होंगे कि पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये सामने जो छोटा बच्चा आप देख रहे हैं, ये भी पंडिताई की तैयारी कर रहा है, और वृंदावन से ये अपनी पंडिताई को सीख रहा है। और यहाँ पर इसने पूजा की शुरुआत की, और पूजा करते करते हम लोगों को इसके हाव भाव बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। यहाँ पर जो कमी थी वो हमें लग रही थी पहाड़ी ढोल की, जो यहाँ पर पूरा किया गया। और यहाँ पर अब होगी सत्यनारायण की कथा, जिसको मैंने आपको लाइव में भी सुनाया था। जिस किसी ने भी नहीं देखा है, उसका लिंक मैं आई बटन पर डाल रही हूँ, आप वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। पंडित जी के मंत्रोच्चारण और साथ ही ये पहाड़ी ढोल की ताल हमें काफी पसंद आई। एक तरफ पंडित जी भगवान जी को नहलाते हुए, उनकी पूजा करते हुए, और दूसरी तरफ यहाँ पर पहाड़ी गानों से यहाँ पर चार चांद लग गए। तरफ चल रही थी पूजा, तो मैंने सोचा दूसरी तरफ यहाँ पर कुल देवता का जो स्थान बनाया गया उसको भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है कुल देवता का स्थान। अंदर होने वाले प्रोग्राम तो मैंने आपको धीरे धीरे सारे ही दिखा दिए। सामने आप देख रहे हो छोटी छोटी लाइट दिख रही है, और ये है पूरा गांव। साथ में ढोल वाले लोग भी अपने ढोल बजाने का पूरा पूरा काम कर रहे हैं। ढोल बज रहा है, और पहाड़ी ढोल के असली मजे तो ये मामा भांजे ले रहे हैं। आपस में एक दूसरे को प्यार दिखाते हुए ये दोनों मामा भांजे, तो जब ये दोनों आपस में शांति से बैठे हों और ये चीज़ें ऐसे ना दिखाई जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इन मामा भांजों की भी गुफ्तगू आप तक पहुंचाई जाए। और यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा का शुरुआत हो चुकी है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इधर सत्यनारायण भगवान की कथा का समापन हुआ, और दूसरी तरफ ये जंग शुरू हुई। यहाँ पर मेन काम था भाई का, तो भाई को आ गया अर्जेंट काम, और भैया निकल गया अपने काम पे, और काम से वो वापस आता इतना इंतज़ार कौन कर सकता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे तैसे इस रिचुअल को पूरा किया। अब बारी आई है आरती करने की, तो आरती कर लेते हैं, उसके बाद सीधे मिलेंगे आपको डांस ऑन द फ्लोर। Thank you.
खाड़ी ढोल में खूब मस्ती करने के बाद अब हम लोगों का समय आ गया है खाना खाने का। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करूँगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन DVO से प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे ऐसे ही सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।